भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीड कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। बेसिकली बहुत सारे टेंडर्स में आपको बीड कैपेसिटी का एक क्लॉज मिलता है जहां पे पूछा जाता है बीड कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका आपको देना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे टेंडर का नोटिस का बीड कैपेसिटी का पेज लिया है, उसमें लिखा हुआ है बीड कैपेसिटी क्लॉज फॉर ऑल टेंडर अबव 3 लाख। मतलब आपका इस टर्म्स के अकॉर्डिंगली आपका जो बीड कैपेसिटी होगा 3 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो इसका हम आज आपको कैलकुलेशंस बताएंगे और बीड कैपेसिटी है क्या ये भी बताते हैं। तो सबसे पहले बीड कैपेसिटी है क्या। बीड कैपेसिटी मतलब आपका बीडिंग करने का कैपेसिटी कितना है। मतलब 3 लाख से ऊपर का आप टेंडर यहाँ पे यदि है, यदि आपका बीड कैपेसिटी 3 लाख है या 4 लाख है या 5 लाख है, जो भी आपका बीडिंग कैपेसिटी आता है हमारे रिजल्ट में, उससे ऊपर का आप टेंडर नहीं ले सकते। तो बीड कैपेसिटी का एक फार्मूला होता है, बीड कैपेसिटी इक्वल टू ए इंटू एन इंटू 1.5 माइनस बी, जो आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली बीड कैपेसिटी से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ए इक्वल टू मैक्सिमम एनुअल टर्नओवर, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स जो आप टेंडर अभी बीड करने वाले हैं उसका नंबर ऑफ कितने साल में वो काम कम्प्लीट होगा, और बी जो आपका वर्क इन हैंड है या ऑन गोइंग वर्क है। और यहाँ पे सभी कैलकुलेशंस होंगे, यहाँ पे लोकल बॉडीज जो आपके प्राइवेट के काम है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट्स होते हैं। सभी जितने भी आपने काम किया है सभी को काम यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो 5 साल का आपको कैसा टर्नओवर लेना है वो भी लिखा हुआ है, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17 और 15, 16 ऐसा 5। तो यहाँ पे अपडेटेड कॉस्ट जो होगा इसके कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। पहले 1920 के लिए 1 रहेगा कॉन्स्टेंट, 1890 के लिए 1.10, 1.21, 1.33 और 1.46 का ये कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। इसलिए चेंज होता है क्योंकि हमारा 1516 का जो 100 रुपीज का वैल्यू था आज वो नहीं है। तो आज वो कितना हो गया, वो उसके अकॉर्डिंगली 1.46 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा आज के डेट में उसका पैसे का वैल्यू। तो हम ये जो टर्नओवर है ये 100 रुपीज करके हमने अज्यूम किया है, इस टर्नओवर को आज के डेट में हम लोग कैलकुलेट करके लेके आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे उसका कैलकुलेशन दिया है आपको, ये आपको सीए के पास के लेना पड़ता है, मतलब उनके लेटर हेड्स पे। तो मैंने उनके लेटर हेड के ऐसे डिजाइन बनाए, ये प्रिंट आउट होना है और उनका सील लगेगा और उसके बाद आपका वैलिड होगा। ये हमने कॉस्ट ऑफ वर्क लिखा है जो आपके कॉस्ट है 5 साल का इन लैक में डाला है। नेम ऑफ द कॉन्ट्रेक्टर जो आपका कॉन्ट्रेक्टर का नाम होगा और नीचे वहाँ पे एड्रेस और प्रोप्राइटर का नाम, या फिर यदि डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर, पार्टनर होगा तो पार्टनर के नाम। मैंने ईयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे 5 साल में हमने ईयर ले लिए और ये मेरा जो है ये टर्नओवर्स है। मतलब आपके ये जो टर्नओवर है कितने हैं, यदि 15-16 में मेरा 2.56 लाख, 16-17 में 4.02 लाख, ये हमने एक अप्रोक्सीमेटली एक टर्नओवर ऐसे डाला है। आप यहाँ पे आपका जो ईयरली टर्नओवर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके हिसाब से इसका हमारा रहेगा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जो हम लोगों ने यहाँ से अपने को मिल जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जनरली ये आपका इस तरीके से रहता है, या फिर 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, ये भी कभी कभी मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहता है। तो डिपेंड करता है आपका टेंडर कैसा बोलता है उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना है। और हमने यहाँ पे इसको इसके साथ इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, ये जो आपका नंबर ऑफ जो आपका ईयरली टर्नओवर है 15-16 का टर्नओवर के साथ 1.46 का, इसके हिसाब से हमने इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया है और इसके हिसाब से ये मेरा वैल्यू आ गया 3.74, 5.35, 3.50, 60.34 और 4.02 का 4.02, क्योंकि ये इस साल का टर्नओवर है और इसका कॉन्स्टेंट 1 ही रहेगा। और इसके बाद बीड कैपेसिटी फॉर 6 मंथ, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे फार्मूला मिला था हमने उसको ही लिया है, ए इंटू एन इंटू 1.5 माइनस बी। मतलब अभी यहाँ पे मैंने इसके डिटेल्स भी लिखे हैं क्या क्या है। ए जैसे कि हाईएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ से लेगा और यहाँ से इस सब में से हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो ले लेगा। ये आपको एक्सेल का सीट भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट है, यदि मैंने यहाँ पे कोई भी चीज चेंजेस करता है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं इसको 3.89 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। अभी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6.34 है। हाईएस्ट वैल्यू यदि मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको 5.82 कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू क्या हो गया, 7.74 हो गया। यहाँ पे इसके लिए मैंने एक्सेल के फॉर्मूला भी लगा के रखा है, n 0.5, क्योंकि ये बीड कैपेसिटी कितना है 6 मंथ का है, इसके वजह से आपको यहाँ पे
0.5 आ रहा है, ये आपको मैनुअल फैक्टर है, या फिर आप यहाँ से कोई भी यहाँ पे डाल के उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं जो कितने दे। ये इसलिए डाला क्योंकि ये 1.5 ईयर्स का है, हाफ ईयर्स मतलब 0.5, यदि वो 1 ईयर्स का होता तो 1 डालते, 2 ईयर्स का होता तो 2 डालते। ये टेंडर कितने दिन में आपको आफ्टर वर्क ऑर्डर से काम खत्म करने में कितना साल लगेगा, यहाँ से वो हम देखेंगे और उसके हिसाब से नंबर ऑफ ईयर्स डाल देंगे। बी इक्वल टू वर्क इन हैंड, मतलब आपको ये काम खत्म जो आपके पास वर्क इन हैंड है, जो आपका बैलेंस वर्क है, वो कितने अमाउंट का बचा हुआ है। तो ये मेरा 3.02 लाख का मेरा काम अभी बचा हुआ है और कॉन्स्टेंट इसका 1.5 है जो मुझे यहाँ पे मिल जाता है। कॉन्स्टेंट हमको दिया हुआ है 1.5, तो मैं यहाँ पे 1.5 ले लिया हूँ। यदि आपका ये कभी कभी ये 2 रहता है तो आपको यहाँ पे 2 डालने का है, यदि 2 रहा तो ये 1.10, 1.20, 1.30, 1.4 की 0 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। बीट कैपेसिटी में जो मैंने फार्मूला था उसको ही ले लिया, यहाँ पे उसके हिसाब से एक सेल मैंने डाल दिया है ए, तो ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट से यहाँ से ये पिक कर लेगा। एन 0.5 वो भी यहाँ से ले लेगा, कॉन्स्टेंट 1.5 है, और बी 3.02 मेरा वर्क इन हैंड है। तो इसके हिसाब से मेरा हर जगह से ये फार्मूला के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होके आ गया, और बी 3.02 जो मेरा वर्क इन हैंड है उसके हिसाब से मेरा बीड कैपेसिटी दिया जाता है 2.78 लाख। ये हमारा बीड कैपेसिटी है, पर हमको यहाँ पे बीड कैपेसिटी कितना चाहिए, 3 लाख चाहिए। दैट मीन्स हम ये टेंडर यदि मेरा इस तरीके से कैलकुलेशन में आता है तो मैं ये टेंडर को नहीं भर सकता, क्योंकि ये जो फिगर है मुझे 3 लाख से ऊपर चाहिए, तो हमारा टर्नओवर यहाँ पे बढ़ना चाहिए। यदि मैं बढ़ूंगा तो ही मेरा ये बढ़ेगा, या फिर आपके पास दूसरा है, ये जो वर्क इन हैंड है ये कम होना चाहिए क्योंकि ये माइनस हो रहा है। यदि मैंने वर्क इन हैंड को 1.25 लाख डाला तो भी हमारा ये कैलकुलेशन का अमाउंट बढ़ जाता है 4 पॉइंट, क्योंकि जो वर्क हमारा बिडिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो मेरा वर्क इन हैंड है वो माइनस होगा, इस वजह से ये बीड कैपेसिटी हमारा कम हो बढ़ जाएगा, और यदि वर्क इन हैंड ज़्यादा रहा तो आपका बीड कैपेसिटी कम होगा। इसको ही मुझे प्रिंट लेना है लेटर हेड पे और उसको सीए का सील और स्टंप लेके इसको मुझे सबमिट करना है। ये आपका वर्क बीड कैपेसिटी है, ये हर एक टेंडर के अकॉर्डिंगली बदल जाएगा, क्योंकि हर एक टेंडर में ये मंथ कंप्लीशन के जो ईयर्स रहेंगे वो चेंज होंगे, और ये चेंज के वजह से यदि आपका एक टेंडर दूसरे टेंडर का सिमिलर है और उसके कंप्लीशन सेम है तो आपको यही वर्क बीड कैपेसिटी चलेगा। यदि ये 6 मंथ की जगह 1 ईयर हो गया तो ये बीड कैपेसिटी बदल जाएगा उस ईयर के लिए, जब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा तो भी आपका बीड कैपेसिटी बदलेगा क्योंकि ये ईयरली इसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा।